होरी के रंग बड़ा चोखा, ये गोरी होरी के रंग बड़ा चोखा, ए होरी के रंग बड़ा चोखा, ये गोरी होरी के रंग बड़ा चोखा, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स में रंजीत कुमार। राष्ट्रपति से सम्मानित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो बिहार के सम्राट कहे जाने वाले निर्गुण सम्राट बिहार से भरत व्यास शर्मा जी को। सर, इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, 6 मार्च को मिला है जी। क्या अनुभूति हो रही है सर? बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है कि हमने जब से गायकी शुरू किया, भोजपुरी की सेवा की, अब लगता है कि उसका परिणाम जो है, उसका फल जो है, हमको मिला। सर, क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के लिए इसके लिए धन्यवाद दिया? हाँ, अरे इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको मैं धन्यवाद दूंगा जो इस काबिल उन्होंने समझा, दिलवाया। हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। लालू जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे बिहार के जितने श्रोता हैं हमारा, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। ये अवार्ड मिला है, जो पुरस्कार मिला है पूरे बिहार के लोगों के लिए है, भोजपुरी के जितने करने वाले हैं सबका ये पुरस्कार है। निर्गुण के नाम से आपकी पहचान होती है। आज का समय में सर, लहंगा चोली से उठकर कोई गाना आता ही नहीं है, चाहे किसी एक का नाम नहीं लेना चाहेंगे सर, क्या उसमें उस तरफ आप क्यों नहीं गए, इस तरफ से आज तक क्यों नहीं मुंह मोड़ा निर्गुण की तरफ, और भोजपुरी में जितने भी गायक हैं उससे अलग क्यों? देखिए, हम गायकी में भिखारी ठाकुर जी को अपना अग्रज मानते हैं, महेंद्र मिश्र जी। भिखारी ठाकुर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट राय बहादुर के टाइटल से सम्मानित किया था, भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहा जाता है उनको। आज भिखारी ठाकुर पर शोध चल रहा है, तो मैं उनको अग्रज मान करके मैं गीत गाने शुरू किया। 71 में उनकी मृत्यु हुई और 71 से हमारी शुरुआत हुई है। 71 से हमने शुरुआत की। सबसे पहले निर्गुण कौन सा सर आप गाए? कैसेट का बता रहे हैं निर्गुण का। हम मैंने जब उस समय कैसेट का बाजार था जी सर, तो मैं जब टी सीरीज में गा रहा था तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना एक ठो निर्गुण गावें। कहे कि कबीरदास जी से हम बहुत मैंने प्रभावित रहते थे और आध्यात्मिक से लगाव मेरा शुरू से ही बचपन से ही था। तो मेरे पास गीत था कबीरदास जी का लिखा हुआ, डायरी में मैं गाता भी था। तो मैं सोच रहा था कि भाई निर्गुण कहीं बाजार में है नहीं, क्यों नहीं निर्गुण गा दूँ। मैं कंपनी से पूछा नहीं, क्योंकि टी सीरीज में हमको सारे गायक लोग को पूछा जाता था कि आप क्या गाने जा रहे हैं अभी, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाता कि आप गाने क्या जा रहे हैं। हमने जा करके निर्गुण गा दिया 8 गीत, 5 को कबीर दास जी का और 3 वो अपना। सबसे पहला निर्गुण कौन था सर? बस गवनवा की साड़ी, वही मैं बता रहा हूँ। तो टाइटल जो है अकाउंट से दर्शन कुमार जी के, गुलशन जी के भाई के यहाँ आया टेबल पर, तो अजीत कोहली थे और दर्शन कुमार जी थे, हमको बुलाया जी, भरत जी ये टाइटल गवनवा की साड़ी ये क्या लिखे हैं? हम सर ये निर्गुण है। तो दर्शन जी बोल के निर्गुण क्या होता है? तो हम बढ़िया से हम कहे जिसको निर्गुण का पता नहीं है जी निर्गुण क्या होता, इनको मैं कैसे समझाऊँ। मैं कहा जी सर निर्गुण एक सकार एक निराकार, सौगुण अनिर्गुण दो होता है। सकार के मतलब हाथ पांव गोड़ नाक आँख कान, ये सकार हुआ। आज जो दिखता नहीं है वो निर्गुण हुआ, निराकार हुआ। तो ये गौनवा की टाइटल ही शादी ब्याह वाला गौनवा की साड़ी हम नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गौनवा की साड़ी ये शादी ब्याह वाला नहीं है। जब इस संसार छोड़ करके आदमी अंतिम विदा लेता है उस समय की बात है ये गौनवा की साड़ी। सर एक लाइन गुनगुना दीजिए सर। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी
ससुरा से आइल सुन के संदेशा मोर, सुन के संदेशा मोर हियारा जुड़ाइल गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। तो टाइटल दर्शन जी बोले ठीक है यार ले जाओ जो ठीक है ठीक है। आओ जब कैसे ये पहला जब कैसे टिकला तो इतना सुपर डुपर ये नंबर हुआ गवनवा की साड़ी। आज भी सर चलता है, आज भी उसे चलता है। और सारी कंपनियां अपने अपने गायकों को सिंगरों को लगी कहने जे निर्गुण गाव निर्गुण गाव निर्गुण गाव, तब से निर्गुण का प्रचलित हुआ। हमने शुरुआत में सबसे पहले निर्गुण हमने गाया। सर ये तो अभी होली का मौसम है, होली का त्यौहार आने वाले हैं 24 मार्च को, ऐसे में होली के लिए भी आप सुपरहिट गाने गाते हैं, लोग के जहन में चलते रहते हैं। एक आध सर गाना गुनगुनाइए होली का सर, जिसमें रघुवीरा वाला सर हमेशा लोग सुनते हैं आपकी गाना, एक रघुवीरा करके होली आया था, हमें ख्याल नहीं आ रहा है कौन सा सर गाते होली रघुवीर खेले। एक वो गा देते हैं तो उसको भी गा देंगे। जी जी होरी के रंग बड़ा चोखा ये गोरी, होरी के रंग बड़ा चोखा ए होरी के रंग बड़ा चोखा ये गोरी, होरी के रंग बड़ा चोखा होरी के रंग बड़ा चोखा, होरी के रंग बड़ा चोखा ये गोरी, होरी के रंग बड़ा चोखा अरे होरी के रंग बड़ा चोखा ये गोरी, होरी के रंग बड़ा चोखा ए होरी के रंग चोखा ये गोरी, होरी के रंग चोखा होली के रंग बड़ा चोखा गोरी। ये तो मस्ती का देवर भौजाई का आपने जो कहा कि देवर भौजाई वाली गाना है, मगर भजन वाला सुन लीजिए। जी सर होरी खेलता रघुबीर अवध में, होरी खेलता रघुबीर के करा हाथे कनक पी चुकारी, के करा थे अबीर के करा हाथ कनक पिचुकारी, के करा हाथ कनक पिचुकारी के करा हाथ अबीर यवध में, के करा हाथ अबीर यवध में होरी खेले होरी खेलत रघुबीर अवध में, होरी खेलत रघुबीर। इन्होंने सर ये तो भजन में भी आपके सर गाना लालू जी भी सुनते हैं, ये तमाम मेरे पिताजी भी सुनते रहे ध्यान कर गए लगातार, जो बिहार के तमाम श्रोता सर गाना सुनते हैं। एक राजनीति से हटकर एक राजनीति से सर क्वेश्चन, पिछला बार आपने सुन रहे थे कि लोग विधानसभा से चुनाव लड़े थे, क्या सच्चाई है? हाँ निर्दलीय लड़े थे। तो क्या 2025 में राजद के टिकट पर जनता देख सकती है चुनाव में? नहीं अभी हम कुछ नहीं कहेंगे जी, कुछ नहीं कहेंगे, आने वाला समय बताएगा। किस पार्टी से सर आ सकते हैं? ये भी हम नहीं सोचे हैं किस पार्टी से, ये समय बताएगा किस पार्टी से हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे कब जाएंगे। अगर 2025 में विधानसभा के अगर चुनाव आते हैं इसमें किसी पार्टी से अगर सिंबल देते हैं बुला हाँ, देखेंगे देखेंगे सोचेंगे उसके विषय में किसी पार्टी में जाने की थी। हाँ कोई को, कोई दिक्कत नहीं। साफ तौर से कहना है कि 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से सिंबल अगर बुलावा आता है तो भरत शर्मा जो गायक है निर्गुण गायक है ये जरूर जाएंगे। आप देखते रहिए बिहार अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार।